हाल ही में दिल्ली के बुराड़ी में हुई 11 लोगों की डेथ मिस्ट्री पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही है। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच करने के बाद पुलिस ने शनिवार को केस सॉल्व हो जाने का दावा किया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस केस में कुछ ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जो इस मिस्ट्री को एक बार फिर उलझा रहे हैं। अरुणा आसफ अली अस्पताल के फॉरेंसिक साइंस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अनुसार मरने वाले 11 लोगों में कुछ लोगों की हत्या हुई है। वहीं पुलिस का नजरिया इस मामले में डॉक्टरों से थोड़ा अलग है। डॉक्टर का इस बारे में मानना है कि जिस हालत में शव मिले हैं उस हिसाब से सभी का खुदकुशी करना संभव नहीं है। दिल्ली बुराड़ी इलाके में हुई किसी भी हत्या या आत्महत्या के लिए शव को सब्जी मंडी मॉर्चरी पोस्टमार्टम रूम में लाया जाता है। बुराड़ी केस में भी पुलिस इन शवों को लेकर पहले यहां पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस अचानक सभी शवों को लेकर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पर आई थी। वहीं इतने गंभीर केस में जब सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद थे, फिर भी जूनियर डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जाना इन मौतों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे देश के कानून के मुताबिक इस बात का जिक्र है कि किसी भी हत्या या आत्महत्या में पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता, लेकिन इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद कराया। 11 लोगों की मौत वाले दिन परिवार ने सुबह के नाश्ते के लिए भीगा चना और दही रखा था। इस पर सवाल ये उठता है कि जब कोई मरने वाला हो तो वो सुबह के नाश्ते के बारे में क्यों सोचेगा। वही जांच में एक बात और सामने आई थी, वो यह कि मौत के कुछ घंटे पहले एक डिलीवरी बॉय ने खाना डिलीवर किया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार घर के कई लोगों का पेट खाली था, जो कई मायनों में बड़े सवाल खड़े करता है। अभी तक इस केस में जो सवाल उठ रहे थे उनकी तह तक पहुंच पाना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन इस केस को हर एंगल से देखने के बाद लगता है जैसे इस केस में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है।